आया था, तो मैं शुरुआत में उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसको मां के साथ में प्यार से जोड़ूंगा। तो पिछले कुछ दिनों में हमारे झूठे रिश्ते की नाव सच्चाई के तूफान से टकरा कर टकबगाने सी लगी थी। और फिर वो दिन भी आया जब उसने मुझसे पूछा कि तुम हो कौन। मन तो मेरा था कि मैं उसे बता दूं कि जब भी वो घर से बाहर जाती है तो उसके वापस आने तक उसकी माँ के साथ साथ एक और इंसान की जान उसकी हलक में अटकी रहती है, वो मैं हूँ। जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ जाती है तो उसके पिता के साथ साथ एक और इंसान अपना सब कुछ गंवाने पर तैयार रहता है, वो मैं हूँ। कैसे वो कोचिंग से वापस आने में 5 मिनट भी देर हो जाती है तो मैं उसके इंतजार में अपने सारे नाखून चबा जाता हूँ। और कैसे किसी दिन वो खाना नहीं खाती है तो मेरे हलक से भी खाना नहीं उतरता है। कैसे परीक्षाएं उसकी आने वाली होती हैं और टेंशन मुझे हो रही होती है, रिजल्ट्स उसके आने वाले होते हैं और डर मुझे लगा रहता है। कैसे पिंपल उसके गालों पे निकलता है और उसे ठीक करने के नुस्खे मैं अपने दोस्तों से पूछता रहता हूँ। और कैसे इबादत में जब भी सर झुकाता हूँ तो बस उसी की सलामती मांगता हूँ। पर क्या फायदा किसी ऐसे इंसान को वो सब बताने का जिसने सिर्फ आपका चेहरा ही देखा, कभी आपकी आंखों में झांका ही नहीं, आपके अल्फाज तो पढ़े पर कभी आपके जज्बात ना पढ़ पाया। आपसे बातें तो हर रोज की पर कभी वो बात नहीं की, और आपका हाल तो जानना चाहा पर कभी आपके हालात नहीं जान पाया। आपकी खुशियों में तो शामिल हुआ पर कभी आपका हमदर्द ना बन पाया, और आपके सफलता में हमेशा बधाइयां दी। आपके सफलता में हमेशा बधाइयां दी पर कभी आपके संघर्ष का साथी नहीं बन पाया। तो मैंने भी उसे कह दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं लगता हूँ तुम्हारा, और जाने दिया उस झूठे रिश्ते को, क्योंकि मैं समझ चुका था कि कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जा सकता। पर उस रिश्ते को खोते संग ही मैंने दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता पा लिया था, वो रिश्ता जो पिछले 20 सालों से अपने सारे फर्ज एक तरफा ही निभाता आ रहा था। और अब मैं समझने लगा था अपनी माँ के उस एक तरफे प्यार को कि क्यों वो रात को कितनी भी मुझसे नाराज हो सुबह उठकर कॉलेज जाने से पहले मेरे लिए नाश्ता बना ही देती है। क्यों कभी अपनी गलती पर भी मैं नाराज हो जाता हूँ तो पहले वो आकर मुझसे बात करती है। क्यों उसकी छोटी छोटी डांट पर तो मैं रुठ जाता हूँ पर मेरी बड़ी बड़ी गलतियों को भी वो माफ कर देती है। क्यों कभी वो खुद तो खाना भूल जाती है पर मुझे खिलाए कभी नहीं सोती। क्यों मैं घर वापस आने में 5 मिनट भी देर हो जाता हूँ तो मेरे मोबाइल पे उसके 10-10 मिस कॉल आ जाते हैं। और क्यों मुझ जैसे मतलबी इंसान के लिए जो आज तक उसके लिए एक पहर भी भूखा नहीं रहा वो साल में ना जाने कितने व्रत रखती है। पर अब मैं अपने माँ के उस एक तरफे प्यार को एक तरफा नहीं रहने देना चाहता था। तो इन्हीं बातों को सोचते हुए मेरी गाड़ी उस दुकान पर पहुंच चुकी थी जहाँ से मेरी माँ हर साल मेरे बर्थडे पर केक लिया करती थी। मैंने वहाँ से एक केक लिया जिसमें लिखा था हैप्पी मदर्स डे, और वो केक लेकर अपने घर पहुंचा। उस केक को अपनी माँ के हाथों में लेकर मैंने कहा, आई लव यू माँ, यू डिजर्व द सेम लव एंड केयर फ्रॉम मी। ये सुनते ही मेरी माँ ने मेरे माथे को चूम लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर उसकी आंखों के आंसू के पीछे छिपी थी वो खुशी, उसके 20 साल के एक तरफा प्यार को मुकम्मल होने की खुशी जो मैं अभी देख पा रहा था। और आज शायद उस खुशी को मैं यहाँ शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वो केक मेरी माँ ने अपने हाथ से काटा और सबको बारी बारी खिलाया। पर जैसे ही मैं वो टुकड़ा अपनी माँ को खिलाने एक टुकड़ा खिलाने ले जा रहा था तो मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा मैं तो आज भी व्रत हूँ। अब मैं बस एक छोटा सा शेर सुनाना चाहूंगा, ये माँ पे नहीं है। अगर वो नाराज होती तो बेशक मना लेता उसे वो कह गई अब प्यार नहीं तुमसे। अगर वो नाराज होती तो बेशक मना लेता उसे, वो कह गई अब प्यार नहीं तुमसे। सोचता हूँ उसे भुला दूँ या फिर एक बार प्यार करूँ उससे।
काम की खातिर तुम्हें परेशान तो कर लेता हूँ, पर तुम्हारी परेशानी भी नहीं देख पाता हूँ। तुम मुझे हजार गम देकर भी खुश रह देती हो, मैं अपनी एक गलती पर भी खुद को माफ नहीं कर पाता हूँ। जानिए कैसा रिश्ता है जो मैं तुमसे निभाता हूँ। औरों के लिए तो सिकंदर हूँ मैं, पल भर में बाजी पलटने वाला मुकद्दर हूँ मैं, पर बात जब तुम्हारी आती है मैं जीत के भी हार जाता हूँ। एक अजीब सा रिश्ता है जो मैं सिर्फ तुमसे निभाता हूँ।